ये देखो फिर एक हत्या, बताओ मतलब मामला क्या है? सिर्फ रोड क्रॉस करने को लेके ये हत्या कर दी। एक्चुअली दोस्त हो क्या रहा है कि अगर पिछले कुछ दिनों की बात कर लें अपन, तो आजकल कानून का खौफ नहीं रहा या युवाओं को चिंता नहीं है, समझ नहीं आता है। अभी लड़का लड़की शादी हुई थी, 8 दिन शादी को नहीं हुए थे, अपनी फैमिली के साथ में आ रहा था, रोड क्रॉस को लेके विवाद हुआ और लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। हाँ मैंने भी पढ़ा वो, मतलब ऐसा डिस्टर्बिंग केस। नहीं नहीं शादी हुई थी उसकी। 8 दिन शादी हुई थी, उसकी हत्या हाँ कर दी गई। उसके बाद में भी आप देखें कुत्तों को लेके विवाद हुआ गली के अंदर, और वो जो एक गार्ड थे उन्होंने ऊपर छत पे गए और फायर किया, जिया साले की मौत हो गई। ये हाँ मतलब आप देखें कि विवादों की पहले वजह हुआ करती थी, कोई कारण हुआ करते थे। आजकल तो बिना वजह कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस एक जोश ऐसा है लोगों में। पर मतलब पहले एटलीस्ट ऐसा खौफ रहता था कि भाई हम मर्डर करेंगे या कुछ करेंगे, तो पुलिस का डर होता था। क्या हुआ आजकल वो डर, प्रशासन पुलिस का डर कि कुछ सख्ती होगी, डर आप खत्म हो सही कह रहे गया? हो, मैंने पिछले 15-20 दिनों में जो 8 हत्याएं हुई हैं, इन पर आप गौर करोगे अगर आप, तो आप देखना कि किसी का व्यक्तिगत विवाद किसी से नहीं था, कहीं किसी का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन सिर्फ पार्किंग को लेकर के, रोड क्रॉस को लेकर के, ओवर टॉकिंग अटैकिंग को लेकर के विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। और इसमें खास बात आप देखोगे अगर आप, तो जिन लोगों की हत्या हुई, जिन लोगों के मर्डर हुए, वो अपनी फैमिली के साथ थे, परिवार के साथ थे। बराबर। कोई इंजीनियर था, कोई व्यापारी था, वो ट्रांसपोर्ट व्यापारी की हत्या हुई। मतलब बिल्कुल वो अभी लोग जो व्यापारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में ये नहीं आता है कि आज गलती किसकी कही जाए। लेकिन जो लोग, समझना ये होगा हम लोगों को, अगर अपराध की बात करते हैं अगर अपन, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती मानते हैं कि लोगों में खौफ खत्म हो गया है, बिल्कुल और नशा इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बहुत है। क्योंकि प्राइमरी रीजन है। सही बात। जितने लोग पकड़ाए हैं उनमें ये निकल के सामने आए कि सब नाइट्रा या दूसरे नशे के शिकार थे, और नशे के हालात में होश रहता नहीं, क्या कर रहे हैं। अब इसमें जो मैं सोचता हूं कि अगर आप घर से निकल रहे हो, तो ये मान के चले कि आप जंगल में हो, जैसे जंगल में जब एक दूसरा जानवर घूमता है तो शेर शिकार के लिए ये नहीं देखता है कि उसको अपनी भूख मिटानी है, उसी प्रकार जंगल खैर हो गया है। कोई यहां पर नियम जो लोग कायदे वाला। नशे करके निकल रहे हैं, आप समझ रहे हैं एक चीज को, उनके न परिवार की चिंता है, न उनको अगला दिखता है, न पीछा दिखता है, नशे में धुत रहते हैं। आपने जरा सा कुछ कहा, अग्रेशन और हत्या, और क्योंकि हत्या। उनको अंजाम की परवाह नहीं है। लेकिन आज जो परिवार के साथ में है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर आपको इंदौर शहर की बात करें, तो इंदौर शहर अपराध में बहुत आगे निकल गया है। बहुत तो हमें कहीं ना कहीं, अब अगर आप जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, कुछ अगर किसी ने रोड गलत क्रॉस कर दिया है, ओवरटेकिंग कर दिया है, तो आपको ऐसे विवादों से अपने आप को बचाना होगा। अगर आपको परिवार की सुरक्षा चाहिए है, तो हमें खुद सुरक्षित होना होगा। अब आप शासन, प्रशासन, पुलिस इन पे डिपेंड नहीं हो सकते। नहीं हो इनके सकते आप। बिल्कुल सही बात है, ये क्योंकि इतनी मैं अभी जैसे जगह विगत जब से मैं इंदौर शहर में हूं, आप एक चीज देखें, पहले इंदौर में हर चौराहे चौराहे पर रात के समय सघन चेकिंग अभियान चला करते थे, जी बैरिकेड डाल के चेकिंग होती चेकिंग थी। होती थी। मतलब अगर हम घर आ रहे हैं तो पुलिस वाले पूछते थे कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या बिल्कुल करने गए थे। लेकिन आज आप बाईपास से लेकर रिंग रोड या सिटी का माहौल देख लें, कहीं आपको पुलिस नजर नहीं आती है बिल्कुल कि आने वाले लोगों से रोक करके पूछे कि भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या है। हाँ। और वो देखें कि वो नशे में है, कौन सी हालत में गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आपने नाइट कल्चर चालू कर दिया अभी, और ये नाइट कल्चर के बाद से मेरे हिसाब से ट्रेंड बढ़ा है इस चीज का। आप ये पुलिस प्रशासन और नगर निगम और वर्तमान सरकार, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को वर्तमान में विषय पे सोचना बहुत जरूरी है कि नाइट कल्चर को शुरू करने के पहले और बाद में अपराधों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जी, नाइट कल्चर के साथ में आपने नाइट कल्चर तो चालू कर दिया, ऊपर से पुलिस प्रशासन की आपने मौजूदगी कम कर दी। आप देखेंगे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, उन सारे रेस्टोरेंट्स पर युवक युवतियों का भरमार रहता है, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि रात को जो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, 100% गलत होंगे ये नहीं कहता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्चर के खिलाफ जो लोग आज ये मान के चले कि
घूम रहे हैं फिर रहे हैं, नशा कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में है। और जहां रेस्टोरेंट खुले हैं या जहां नाइट कल्चर आपने ओपन किया है, वहां एटलीस्ट पुलिस प्रशासन को सख्त होना या उनकी मौजूदगी होना बहुत जरूरी है, ताकि युवाओं में ये चीज रहे कि पुलिस शहर में है, हम निकलेंगे, पुलिस चेकिंग करेगी। और पुलिस के पास में भी जैसे आप देखें तो जो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि नशे के हालत में किसी को टेस्ट करना है, या ऐसे उपकरण कितने हैं उसका कुछ ब्यौरा। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो दोस्त, वीडियो कैमरे की बात करें अगर अपन, हम एक इंदौर शहर को भव्य तरह पे देख रहे हैं कि इंदौर शहर एक मतलब मॉडर्न सिटी, स्मार्ट सिटी की तरह में आप कैलकुलेट करते हैं, और आपके किसी बायपास पे, रिंग रोड पर, सिटीज तक में कैमरों की व्यवस्था नहीं है। आज जितने मर्डर हो रहे हैं, इन मर्डर का एक भी क्लू नहीं मिल पाया, ठीक है, अपराधी पकड़ा गए, लेकिन कॉलोनीज का मामला था या कुत्तों का मर्डर, कुत्तों के चक्कर में जो है वो इंसानों का मर्डर हो गया, वहां के फुटेज मिल गए, कॉलोनी का मामला था। लेकिन जो बायपास रिंग रोड मर्डर हो रहे हैं वहां फुटेज कहां से मिलेंगे आपको? एग्जैक्टली। और मतलब कॉलोनी में भी इसलिए मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे पर्सनल कैमरे लगे होते हैं आजकल लोगों के, मतलब लोगों का भी एक तरीके से माने कि डर बढ़ता जा रहा है, वो अपने घर में कैमरे लगाना ज्यादा बढ़ा दिया। न्यूज पढ़ रहा था शाम की, उसमें कुछ जो पुराने अपराधी हैं जिन पर आंसुका लगी है, जिन पे 3 अपराध 4 अपराध हैं, उनको पुलिस ने ट्रेस आउट किया, उन पर कार्रवाई करी। अब एक चीज बताइए यार, अभी जो पिछले दिनों हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में पुराने हिस्ट्री शीटर कौन थे? कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था सर, जो नया युवा है, नया यूथ है, पूरा यूथ था। अभी बीच में वो जो एक केस आया था कातिल हसीना, बॉयफ्रेंड के चक्कर में हत्या हुई थी, वो कौन से पुराने क्राइम क्रिमिनल से? ये टोटल जो एक कहा जाए ऐसा माहौल निर्मित हुआ है कि कहीं ना कहीं कानून का खौफ बच्चों में से हटा, यूथ में से हटा, और वो लोग मनमानी पे उतर आए। और नशा कहां से आ रहा है, सबसे मुख्य बात तो यह है दोस्त, की नशा कहां से आ रहा है, ये अचानक से कैसे बढ़ गया अचानक? मतलब पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? आज से अब 1 साल 6 महीने पहले की स्थिति देखिए, 6 महीने पहले की स्थिति देख ले, जैसा ग्राफ बढ़ा है अचानक से, ये मतलब अचानक नशा इस कदर कहां से शेयर बटा, इतना चिंताजनक विषय है ये। शायद पुलिस प्रशासन को भी पता है, नहीं पता है पता नहीं, पर ध्यान देना चाहिए उन्हें कि अपराध की जिस प्रकार से प्रगति हुई, अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो जितने लोग नशे की हालत में मिल रहे हैं, नाइट्रा जो कि बेन है, लेकिन अगर शहर में बट रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से वहां तक पहुंच रही है जी। भाई भास्कर वाले लेख छापा था, एक काफी अच्छे कुछ कैफे का नाम दिया था कि वहां पर जो है नशा बिकता है, वो भी स्टूडेंट्स का कुछ तो एरिया, कॉलेज के आसपास का एरिया है। क्या ये प्रशासन की जवाबदारी नहीं है कि अगर कहीं किसी पेपर में कुछ छपा है तो उसका काफी लंबे समय तक उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, अनुसंधान में लेके आया जाए? बिल्कुल। और सबसे तो दोस्त पुलिस कमिश्नर ही है, अब तो कमिश्नरी सिस्टम है 6 महीने से, और कमिश्नरी सिस्टम कहते हैं कि भाई कानून को वो सख्त कर देता है। बिल्कुल, कमिश्नरी सिस्टम का मतलब ही था पुलिस को पावर मिलना। तो ऐसा लग रहा है कि कानून प्रशासन हाथ से फिसलता जा रहा है। बिल्कुल, ये तब से ही आप देखें, अगर टाइमलाइन देखें, जैसे अब अगले साल एनसीआरबी का डेटा आएगा तब हमें और अच्छे से पता चलेगा, पर अगर हम देखें तो जिस हिसाब से न्यूज देख रहे हैं हम, जब से कमिश्नरी सिस्टम हुआ है, दिल्ली में आप लोग जाते हैं, इतना गंदा माहौल तो वहां का भी नहीं है, वहां का भी नहीं। वहां पे जबकि आप नाइट कल्चर देखें तो हमारे कुछ नाइट कल्चर नहीं है, हमारे नाइट कल्चर के साथ में नाइट में प्रशासन एक्टिव है। वहां पे आप जाके देखें जगह जगह चेकिंग होती है। एक ही बात जानता हूँ दोस्त, अगर घर से निकलना है ना बेटा अपने को, तो आप मान के चले कि आपको परिवार की चिंता करनी है, कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है जी। गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, किसी ने ग्लव टॉस कर दिया है, आपको बीच में नहीं पड़ना है, आप गाड़ी पीछे कर ले, उसको निकल जान दें। कोई कहने की कारण क्या है, आपका कहना होगा परिवार सदस्य कम हो जाएगा, भुगतान घर वालों को करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन या प्रशासन क्या होगा बात का विषय, लेकिन एक परिवार का आदमी खो जाता है। तो अगर रोड पर चल रहे हैं तो हमें कोशिश करते हुए, अगर हम पारिवारिक लोग हैं और परिवार की शांति, परिवार की सुविधा चाहते हैं, तो हमें खुद सतर्क रहना है, रहना होगा। मतलब सीधा वही है कि जंगल राज में रह रहे हो, और जंगल राज में होता है कि जितना खुद को सुरक्षित करके चलें उतना बेहतर है, किसी वाद विवाद में ना पड़े, बस चुपचाप निकल जाए, चुपचाप निकल जाए। आपको किसी से कुछ बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहस करेंगे सामने वाला किस स्थिति में है, आप परिवार के साथ में है, उन लोगों को क्या गुनाह था, घर में खुशी का माहौल था, मातम पसर गया, और जिया साली की हत्या हो गई, कुछ इंजीनियर जेल था उनकी हत्या कर दी गई, वाद विवाद नहीं थे,
तो ये सारे सबक देते हैं कि आज वर्तमान में शहर में अगर अपने को रहना है तो आपको अपने लिए अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कानों को आप बिल्कुल बंद करके अपने अनुकूलता के लिए चालू रखें और वही देखिए आप देखना चाहते हैं, किसी अन्य विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। आज के वर्तमान परिवेश का युद्ध जिस ओर जा रहा है, एक पारिवारिक व्यक्ति को यही करना चाहिए कि वो किसी पचड़े में ना पड़े। अगर कोई ओवरटेक करके निकल गया, निकल जान दो यार, एक दो मिनट में इस स्तर पर नहीं आ पाओगे जिस स्तर पर वो लेके निकल चुके हैं। तो इसलिए हमारा स्तर, हमारा परिवार हमको देखना है, हम शांति से रहें और विवादों से न बढ़े। में तो ये राय, विवादों से दूर रहें तो ही बच सकते हैं, तो कुछ उम्मीद नहीं है। और अपराध जिस कदर से लड़के लड़कियां शहर में आ रहे हैं और जिस कदर राइट कल्चर शुरू हो गया है या नशा बढ़ गया है, तो अपराध दिन पर दिन बढ़ेंगे और उस पर अंकुश कैसे लगेगा ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हर परिवार अपनी सुरक्षा खुद करे, बस यही और अपने घर वालों को ये समझाएं कि भाई परिवार में अब बाहर आप जा रहे हो तो आपको किसी वाद में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई ओवरटेक करके जा रहा है, जाने दो, खामोश रहो। कोई गलत गाड़ी किसी ने टक्कर मार दी है, टकरा गया है, आप खामोश रहें, क्योंकि आपके जरा से दो बोल शायद आपको दुनिया से रुखसत कर सकते हैं। 2-5 हज़ार में गाड़ी ठीक हो जाएगी लेकिन जान गई वापस नहीं आएगी। आपकी जिंदगी की कीमत आपके स्वयं के हाथ में, जिंदगी की कीमत को पहचानो और उसके बाद आप रोड पर निकलो, क्योंकि यह शहर हादसों का शहर हो चुका है, यहाँ जान माल की कीमत नहीं है। इसलिए जान माल की सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में है, तो हमको खुद को ही अपनी परवाह करनी होगी। जी, बस उम्मीद है जल्द पुलिस प्रशासन कुछ एक्शन ले या संज्ञान में ले इस चीज को और एकदम ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से लोगों के मन में डर बैठ जाए, बस अब यही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन जो करेगा ये ठीक है, क्या होगा भविष्य में, लेकिन वर्तमान का हालात तो ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा अभी तो सुरक्षा तो हमें ही करना, हमें करना होगी और हम अपने हर किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें और सुरक्षित घर जाएं और सुरक्षित घर से निकलें, बाजार में संयमित रहें, अपने क्रोध को शांत रखें और किसी प्रकार का अग्रेशन लेके आना अपने परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। जब भी आप घर से निकलो, आप ये सोच के निकलो कि आपका परिवार आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये सोच आपके दिमाग में होगी तो शायद रोड पे आप इस प्रकार के जो जाहिल और नशेड़ी घूम रहे हैं शायद उनसे आप मुंह नहीं लगोगे और सुरक्षित घर पर आओगे। बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा आप खुद की सुरक्षा के लिए। चलो चले, समय हो रहा है, बहुत लेट हो गए।